फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट फूड जायका में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। तो हमें बताओ, आज अपन क्यों है यहाँ पे एक साथ, क्या करने? आज हम एक साथ आए हैं आप लोगों के साथ पूरी हमारी जीरो से लेके 1 मिलियन की पूरी जर्नी डिस्कस करने। यानी कि कुछ बातें करने, कुछ उम्मीदों के साथ आया है, कुछ चीज शेयर करने आया है। इन शॉर्ट हमारी खुशियां, जो हमारा एक्साइटमेंट है ना, यानी कि अभी देखो 5000 से 6000 तक के कुछ तकरीबन हमारे सब्सक्राइबर बाकी है 1 मिलियन के लिए। तो हम ना बहुत खुश है, पूरी फैमिली उस चीज के लिए बहुत खुश है, और हम चाहते हैं कि वो खुशी ना हम आपके साथ शेयर करें। बिल्कुल। तो भाई बता थोड़ा, वो कैसी खुशी हम उनके साथ शेयर कर सकते हैं? कैसी खुशी? खुशी क्या होती है भाई? तुम सबको पता है, अपने को भी पता है। एक्चुअली इनमें से भी बहुत लोग एक्साइटेड है। हाँ। मुझे तो कितने टाइम से मैसेज आ रहे हैं, कांग्रेचुलेशन 1 मिलियन के। हाँ। हुए नहीं है तो भी एडवांस में बहुत लोगों ने विश किया। हाँ। तो देखा जाए तो अभी तक के हम लोग ने ना डेली एक रहता है ना कि भाई मोबाइल पर कितने बचे, कितना बचे, रोज का सपोर्ट के साथ अभी कितने बचे। ये नजरिया है, ज्यादा कुछ नहीं, ये नजरिया है 1 मिलियन का। ठीक है, मालूम है ना, अभी फॉर एग्जाम्पल के भाई अभी तेरे सब्सक्राइबर कितने, तो वो जो बोलने का मजा रहता ना कि 980,000, 990,000, 992,000, वो नजरिए का फर्क है कि वो 1 मिलियन जब होगा ना तो उसके बाद का मजा। हाँ, वो भी देखो आने वाले कुछ दिनों में हो जाएगा, है कि नहीं भाई? वो खुशी ना, उसका प्यार बहुत ज्यादा जरूरी है 1 मिलियन के साथ साथ हम लोगों के लिए। हाँ। ठीक है, तो समझ नहीं आ रहा कुछ क्या बोल रहे हो। देखो, एक इमोशन होता है हर चीज के साथ, लाइक एक बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो या घर में शादी हो, हर चीज के साथ एक इमोशन होता है। हाँ। तो ये 1 मिलियन वाला इमोशन भी एक अलग है, शायद ये सबसे अलग है भाई। ये बर्थडे भी हर किसी के घर में बन जाता है, हर साल आता है। एनिवर्सरी भी हर किसी के घर में बन जाती है, हर साल आती है। लेकिन ये मिलियन है ना, जैसे कि मैंने इससे पहले भी बोला था। हाँ भाई देख, सच्ची में एक सपना होता है ना, सपना ये उससे बढ़ के। बिल्कुल। बहुत लोग यूट्यूब चैनल ओपन करते हैं लेकिन ना बुरा लगता है यार कि ना मोनेटाइज नहीं हो पाता जल्दी लोगों का। हाँ भाई, तो लोगों का सपना रहता है पहले तो क्या है, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। बिल्कुल। फिर दूसरा सपना रहता है कि यार मेरी पेमेंट स्टार्ट हो जाए। अच्छा, ये बात तो सब ठीक है। हाँ। मैं पूछना चाहता हूँ, अब ये इमोशन ऐसा बना हुआ है, इतनी खुशी है यार 1 मिलियन। तुम लोगों को जो चीजें अभी तक डिटेल में नहीं मिली है, थोड़ा कोशिश करते हैं रियाज भाई और अम्मी से ना पूछने। बिल्कुल बिल्कुल। और जो स्ट्रीट फूड जायका वाला मुझे नहीं जानता, मेरा नाम सरफराज है, मेरे बच्चे का नाम यूसुफ है। ऐसा नहीं है, हमारे ना मेरे सारे सब्सक्राइबर जानते हैं, ये मेरा बड़ा लड़का है मिस्टर सरफराज। ठीक है, इसका भी एक चैनल है यूट्यूब चैनल मिस्टर सरफराज, जिसने नहीं सब्सक्राइब किए होंगे सब्सक्राइब कर लेना। और अभी देखो मेरे चैनल पे ना बहुत लोग, यानी कि ना 80-90% तो जानते ही होंगे, बचे 10% तो अम्मी वो लोगों को बोल रहे थे ना अम्मी। तो मैं अपनी बात पूरी कंप्लीट करता हूँ पहले, कि वो जो इमोशन होता है ना इन लोगों के अंदर क्या चल रहा है, थोड़ा निकाल। ठीक है, निकालेंगे इस, जल्दी निकालो। तुझे याद है, निकल जा निकल जा। हाँ भाई, बोल। तुझे याद है स्ट्रीट फूड जायका का नाम हाँ पहले क्या? बिल्कुल याद है स्टोरी, तुम लोग को नहीं मालूम है ये पहली बात तो आप लोगों को यही नहीं मालूम कि हमारे चैनल का नाम चेंज हुआ था स्टार्टिंग में, मतलब जब आप लोगों को पता ही नहीं था कि हमारा स्ट्रीट फूड जायका है, डायरेक्ट नहीं रखे थे हमने, कुछ और रखे थे, फिर कुछ रीजन के वजह से हमने चेंज करके ये चैनल का नाम रखे थे स्ट्रीट फूड जायका, वो भी पूरे घर वाले बैठ के डिस्कस करे थे। हमने तुमको याद है, सबसे पहले तो मैं बता दूं ये चैनल है ना रिव्यू के लिए खुला था, फूड रिव्यू के लिए। ये जैसा यहाँ पे रेसिपी चैनल था ही नहीं, ये रिव्यू चैनल था और ये अकेले बंदे का था जो ये चार दोस्तों को लेके करना। मैं बता दूं, मैंने इससे पहले भी शायद बताया है बट वो वीडियो उतना लोगों ने शायद नहीं देखा होगा। बट फिर आज एक बार फिर मैं बता दूं, हमने ना ऐसा बात करे थे कि भाई चलो चैनल खोलते हैं, ऐसा आपा का फुल सपोर्ट था, आपा के चैनल पे 25,000 है, चल यार अपन ना चैनल चालू करेगी ना तो आपा प्रमोशन करेगी ना तो कम से कम 5,000 तो आ ही जाएगी। आपा ने ही आके डिस्कस करी थी कि क्यों बैठा है तू, कुछ करता क्यों नहीं। हाँ। तो ये बोला मैं क्या, ये बहुत डरता था
आप इसकी ना पुरानी वीडियो देखना चाहते हैं जो स्टार्ट में इसने रिव्यू दिया ना, नहीं जरूर देखना, जरूर देखना। अरे आज भी मैं वो देखता रहा यार, हंसी आती है मेरे को। नाज़िया के चैनल पे जाके ना सलाम करने को भी डरता था, ये आप अपने भेज मत लेना, ये वाला पार्ट कट कर दो, ये वाला पार्ट स्टार्टिंग में तो आपके चैनल में बहुत फॉलो है, ये बहुत किया था इसने, तो इसको आपने आके हिम्मत दी, देख लिया ऐसा नहीं करते, थोड़ा सा हिम्मत से काम ले, तू कुछ कर, तू कुछ कर, मैं हूँ, मैं करूंगी तेरे को प्रमोशन करूंगी, तेरा चैनल मोनेटाइज भी होएगा, तू कुछ कर। ये गया पहले तो बोला मैं खुद करता हूँ, खुद करता हूँ, जाके ना रिव्यू दिए बहुत जगह पे, खाना वाना होटल होटल का रिव्यू देने लगा था, लेकिन तो ये जाता था ना तभी भी डरता था, दोस्त लोगों को आगे बचता था, तू जा तू जा तू तू रुको रुको मैं क्लियर करना बता दो, मैं बता दो क्या हुआ था, मैंने विलोक भाई को बोले कि तू जा तू कर, विलोक ने बोले थे, बाकी भाई ने भी बोला था मुझे याद है, अम्मी ने नाजा अपनी भी बोली थी मुझे याद है, कि देख एक दिन ना तेरा चैनल सबसे आगे जाएगा। हाँ वो टाइम पे हमारा एक और एक चैनल था फूड रेस, फूड रेस था आपा का था और कोई था क्या, नहीं वो तो उसमें दो चैनल थे, तीसरा मेरा खुला था और भाई ने भी बोला था और आपने बोल दी थी कि एक दिन आएगा ना तेरा स्ट्रीट फूड जाएगा ना सबसे आगे भागेगा, उसने ये भी बोली थी कि मुझे भी तू पीछे छोड़ देगा, तू ना मेरा सबसे पहला 1 मिलियन इंशाल्लाह, तू ना अपने आउट ऑफ मुंबई जाके ना शूट करेगा स्ट्रीट फूड के रिव्यू अपने चैनल पे डालेगा, तूने बोला था ना कि दिल्ली या हैदराबाद कहीं तो जाके तू शूट करेगा, मैं बोला था इंशाल्लाह, बट कैसा ना ऐसा कहानी चेंज हुई। अब आते हैं अपने चैनल नेम पे, क्या था हमने पहले रखा था फूड जर्नी है ना भाई, क्योंकि कंसेप्ट ये था कि ना भाई को ना हर जगह जाना था, फूड रिव्यू लेना था, और रियाज ना खाने में पहले से शौकीन है, उसका लगेज बड़ा है, उसके पास आधी रोटी का दिवाला भी जा सकता है लेकिन वो करता नहीं है, ये हकीकत है, रियाज भाई खाने में ना बहुत मजेदार इंसान है, तो इसके लिए उसके हिसाब से हमने कंटेंट डिसाइड की थी कि जा तू फूड रिव्यू कर, लेकिन थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल देखो हर किसी के अंदर रहता है, नए नए में कम रहता है, लेकिन मेरे में तो था ही नहीं, था ही नहीं, अपन गुल्ला बोलते हैं था ही नहीं, मेरे लोग बोल रहे हैं तो ऐसा ऐसा कर भी, हाँ 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 क्या अब शॉर्ट दिलो, अब दोस्तों में जाता मैं हाशिम को बोलता, देख हाशिम ऐसा ऐसा अपने को करने का, उसके कान खड़े, हाँ हाशिम बोले हाँ ठीक है करेंगे, बता मेरे उसको क्या बोला, बोला तू ना फुल रिव्यू लेना खाना पीना, मैं ना कैमरा पकड़ूंगा, घर पे आता बोलता वैसा, क्या मैंने ना हाशिम को बोला और भी दोस्त लोग को बोला, बोलता नहीं तू आ फ्रंट पे तू आ तू कर, बोला ठीक है आया, मेरे को बहुत अच्छे से मेहनत करके देख भाई पहला वीडियो, नहीं नहीं सुनो सुनो नहीं पहले ना मैं बोला भाई ठीक है जाते हम लोग चार दोस्त, पहला गए मारवे बीच पे, मारवे बीच पे गए और वहां पे ना कम से कम हम लोग ने खाली इंट्रो करने में 1.5 घंटा गया, सब अपने तरीके से आधा पौना नहीं 1.5 घंटे के ऊपर उसमें घुस गया, सब दोस्तों बोल रहे रियाज तू कर सकता है तू कर सकता है, आएगा भाभी भी आ गया, रोटी भी लाए चाय, हमारी भाभी ये ना कभी भी आते हैं ना, मतलब कभी भी नहीं डेली आते, भले से आप लोगों को दिखते नहीं उस दिन वो मस्ती वाले वीडियो में दिख गए, डेली आते रोटी या चाय, ये दो चीज पक्का लाते हैं, इसीलिए मैं पूछा रोटी चाय लाए, रोटी चाय ही चलाते हैं, आधी का पराठा दिखाता है ना आप लोगों को, तो ना मैं ये बोल रहा था कि फिर हम लोग ने ना 1.5 घंटा के स्टार्ट के इंट्रो में घुस गया, अब वहां पे हमने वीडियो बना लिए, कैसा मालूम कभी कोई अपना मुंह घुसा रहा है, कहीं हाथ घुसा रहा है, कहीं ये पीछे से वो खाते का जो हाथ दिखा रहा है, मतलब सबको ना कैमरे में आने का, आने का कैमरे में आने के लिए नहीं क्या, मैं भी खाऊंगा और मैं भी अपना बताऊंगा, ये भी खाओ मैं भी अपना बताऊंगा, कोई बता रहा मजा आया, कोई बोलता है यार ये तो खट्टा है, सबसे पहला वीडियो बोलता बना के लाया था 10 दिन ना, पहले हमने वो शूट किए, फिर दूसरे वही टाइम पे दूसरा वीडियो हमने शूट किए अपना मिट चौकी पे ना, पाया पाव करके है, पाया पाव पाए का सूप और उसके बाद पाव का कॉम्बिनेशन, हमने उसका भी शूट किए, अब वहां से आते थे ना रात के 12:30 1 बज गए, वहां पे देखे ना भुर्जी पाव चालू था, बोले चलो इलियास भाई भुर्जी पाव, अब वहाँ पे अंकल अंकल शूट करे, हाँ बोले करो ऐसी आवाज क्या, बोले करो, बोले अंकल इसमें नमक कितना जाता है, बोलते दिख रहा नहीं क्या मैंने डाला, अब जैसी ने देखे ना कैमरा चालू है एकदम सही हो गए, ऐसा ऐसा तो हमने ना एक दिन में स्टार्टिंग में पहले दिन में 3 वीडियो शूट किया, हाँ सोचो, अब लाके भाई को बताया, भाई देख रहा है अरे बाप रे क्या शूट किया, भाई बोलता देख तूने क्या किया क्या नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, खाली थोड़ा कॉन्फिडेंस दिख रहा है तेरा इसमें
वो वीडियो में कुछ ऐसा कंटेंट जैसा था नहीं, लेकिन हाँ रियाज का जो कॉन्फिडेंस लेवल मुझे पता था ना कि ये थोड़ा जाएगा, चार पांच वीडियो लगेगा, लेकिन वो स्टार्टिंग के पहले दिन के तीन वीडियो में ही दिखने लगा। वो वीडियो में ना सिर्फ कॉन्फिडेंस था मेरा, भले जब मुंह से क्या निकल रहा है मैं आज देखते ना हंसी आती कि मैं बोल क्या रहा है। भाई ने सजेस्ट किया सब हटा दे वीडियो, सिर्फ वो जो बुर्जी बनी ना, वो बुर्जी बनी ना वो वीडियो भाई ने डाला डिसाइड मतलब मैंने बोले ये कि हमने तीन वीडियो शूट किया था जिसमें ना वो उसको भाई ने लायक बनाया अपलोड करने के, वो बुर्जी वाले वीडियो, क्योंकि वो वीडियो भाई ने एडिट किया था स्टार्टिंग। अब भाई कितने वीडियो एडिट किया स्टार्टिंग के? शायद दो से तीन, क्योंकि हम लोग ने पहले से था डिपेंडेंट नहीं रहने, नहीं रहने का सही बात है, अपना काम खुद कर। और स्टार्टिंग के दो या तीन या चार या शायद पांच भी वीडियो भाई ने शूट एडिट किया रहेगा, बट उसके बाद से मैंने ले लिया कि आप आड़ा हो टेढ़ा हो मैं ही एडिट करके अपलोड करूंगा वीडियो, आत्मनिर्भर भारत। उसके बाद से मैंने सोचा आप भाई मैं खुद का करूंगा। तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि चैनल का नाम था फूड जर्नी। फूड जर्नी से फिर हमने डिसाइड किया कि यार हम सर्च करते थे ना फूड जर्नी, तो वो जल्दी आता नहीं था, दूसरों के चैनल के नाम आते थे, तो वो थिंकिंग थी यार कहीं ना कहीं अभी अपन किसी को बोले कि अपना चैनल का नाम फूड जर्नी है, तो आप फूड जर्नी टाइप करोगे तो किसी और का चैनल आएगा और हमारे थ्रू कोई और सब्सक्राइब हो जाएगा। तो इन शॉर्ट देखो कोई भी यूट्यूबर होना तो पहले तो उसकी थिंकिंग ये रहती है सर्चिंग में मेरा चैनल का नाम सबसे पहले आए, तो आप लोग भी कुछ ऐसा नाम रखना कि किसी और का वो चैनल का नाम ना हो अगर कोई नया चैनल बनाता है। तो देखो गाइस इसके बाद आती है बात इम्प्रूवमेंट। अब मैं इम्प्रूवमेंट का एग्जांपल देता हूँ तुम लोगों को कि ये वही रियाज है जो हम लोग आपा के ब्लॉग में आते थे चार जन कंधे में हाथ डाल के, तो सब बोलते थे और ये कुछ बोलता नहीं था, और बोलता भी था ना जो दो सेकंड का 15 सेकंड का, उसके बाद सीधा बोलता था भाई कट कर देना। और स्ट्रीट फूड जायका की देन है, फिर लोगों का प्यार है, लोगों के प्यारे कमेंट से जो कि पढ़ने के बाद ना वो अपने आप में आ रहा था। अब आते हैं रिव्यू क्यों बंद हुआ, यानी कि वो जर्नी कहाँ थी जर्नी पहले सुनो। फिर हमने ना कैमरे से शूट नहीं करते थे भाई, फोन मोबाइल वो भी वन प्लस नहीं, मैंने अभी तक जितने भी फोन यूज किया ना उसमें से वन प्लस का ये कैमरा जो ना ऐसा सेटिस्फाइड होता कि नहीं यार अच्छा है। वो टाइम पे कौन सा था भाभी तुम्हारा चोरी हो गया था? सेम लिए थे हम लोग दोनों ने, सेम लिए थे वीवो 11 प्रो हम लोग दोनों ने सेम लिए थे, भाभी का चोरी हो गया था और वो मैं मेरे फोन से शूट करता था। और उसकी भी क्वालिटी ना मैं बताता हूँ भाई, फोनों की क्वालिटी ना आपकी स्टार्टिंग के दो तीन महीने या छह महीने तक अच्छी रहती है एकदम, उसके बाद अपने आप ऐसी डल होते जाते हैं। तो वो हमने शूट किया कम से कम स्टार्ट के 5-5.5 महीने तकरीबन 60 वीडियो। ये बहुत से लोगों को आज मालूम पड़ा होगा कि मैंने स्ट्रीट फूड जायका के 60 वीडियो शूट किए थे, मतलब शूट मेरा दोस्त करता था और मैं हाय फ्रेंड्स, ये सेम था वो इंट्रो मेरा, हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल, ये तरीका ना मेरा स्टार्ट से अब तक है। उसके बाद कैमरे की एंट्री हुई, उसके बाद भाई ने देखा मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ना ऐसा ऐसा जाते रहे भाई, मोबाइल से डर लगा, 50 वीडियो से ऊपर हो गए और वो टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह 4,500 सब्सक्राइबर हो चुके थे, गिरते पड़ते इधर उधर। रजनीश का काम एक नहीं था ना शूट करने करने का, लाओ भाई आपका फोन दो मन में आ गया कि अब चैनल बंद करते, लगते वापस से वही 15,000 वाली सैलरी पे, क्योंकि घर पे कुछ ही नहीं दे रहा था मैं। हाँ मैं 5 महीना चला गया था, घर पे 1 रुपया नहीं दिया था, और ऊपर से ये बात अलग, अब हम जाते ना जब शूट पे तो वहाँ पे जाने का गाड़ी भाड़ा मेरा, गाड़ी का पेट्रोल मेरा, हम वहाँ कुछ खा रहे ऑर्डर दे रहे पेमेंट कर रहे वो मेरा, मतलब 5 महीने तक ना खाली 1 रुपया आने की उम्मीद थी नहीं, ये मेरा माइंडसेट था कि भाई कुछ आएगा नहीं बस काम करना है अपने। डेली जाता था 3,000, 2,000, 4,000 ऐसा, मतलब दोस्तों को ले जा रहे थे उनको भी, ऊपर से ये भी तकलीफ थी रजनीश भाई हमारे छुट्टी पे थे ही नहीं, संडे छुट्टी, रियाज खाली संडे आऊंगा भाई मैं, अब मैं बस अब संडे आज 2 वीडियो बनाएंगे संडे के दिन सुबह सुबह, मैं फटाफट सुबह सुबह जाने का 11 बजे निकलने का, 2-3 बजे तक 1 वीडियो बन गया, घर पे 1 घंटा आराम कर कपड़ा चेंज कर फटाफट आ जा, कपड़ा चेंज करके वो आता था 6 बजे, फिर शाम में 1 वीडियो शूट करते थे हम लोग, और हफ्ते में 2 वीडियो आता था। किधर होता था मालूनी में नहीं, दहिसर मीरा थाना मुमरा, दहिसर थाना मुमरा कुरला बहुत जगह दूर दूर जाने का ये,
और आए तक मेरी जान उठ के रहती थी कि हाँ चले गए। ये बात है, इससे पहले ना भाई शूट से पहले कभी हम लोग इतना दूर जाने नहीं देते थे, बट वो देख रहे ना कि नहीं जा रहा है बाइक पे इतना लंबा लंबा जा रहा है, तब कुछ नहीं बोलते थे। रात में लेट लेट भी आता था, 2-3 बजे आता था। कितने बार तो ना रातों में मेरी घोड़बंदर रोड पे बाइक भी रुक गई है 2 बजे। वो तो अच्छा है, हमारे फ्रेंड्स इतने अच्छे हैं ना कि यार रात में 2 बजे मिले ना अपनी गाड़ी लाके मुझे देते के लिए, लेके जा मैं बनाता हूँ ये। उसके बाद लग गया लॉकडाउन। उसके बाद और शॉर्ट सुन, मार्च का महीना 21 क्या 14 मार्च को लॉकडाउन लगा था, मुझे आज भी याद है। याद है, देखे बराबर याद है। तो क्या हुआ था रजीश भाई, यस मैं ना कल से ना संडे को भी नहीं आ पाऊंगा। बोले क्यों बे? बोले मार्च का महीना है, बोले ईयर एंड रहता है, ईयर एंड है, बोले ईयर एंड साल का आखिरी महीना रहता है, तो संडे भी काम। अबे मैं बोला साले 13 तारीख को शायद उसने मेरे को ऐसा बोला, अरे ऐसा ऐसा यार नहीं आ पाऊंगा 14 तारीख। हाँ मतलब वो एक दिन पहले ही उसने बोला था, और दूसरे दिन भाई अपने महान आदमी ने बोल दिए लॉकडाउन जहाँ पर है वो वहीं पे रहेगा ना, तू आना जाएगा। तो मैं बोला अबे देख तूने, मैं रजीश को बोला ऐसा हकीकत है, मैं उसको बोला ऐसा, बोला साले तूने मुझे बोला था कि भाई नहीं आ पाऊंगा, बोला तू काम पे जाके बता। जो वो बात हुई थी जो जहाँ पर है वहीं पे रुकेगा, रियाज घर में अभी तक रुक गया। वो हकीकत है, हकीकत है, लेकिन नहीं वो मेरे 4-5 महीने ना इतने टेंशन वाले नहीं थे, बट वो सही में मोमेंट टेंशन वाला था कि यार पहले तो क्योंकि उससे ना थोड़े दिन पहले ही 18 तारीख को हुआ ना भाई वो शॉट, उससे थोड़े दिन पहले ना यूट्यूब की पेमेंट हमें आई थी 9,980 रुपए, यानी कि 10,000 में ना कुछ 100-200 रुपए कम थे। सबसे पहली पगार रियाज की 10,000 में ना कुछ 100-200 कम थे, वो हमें आई थी 5 महीने के बाद, और मुझे आज भी आई है। एक महीने की नहीं थी, और वो 1 महीने की नहीं थी, नहीं थी वो 2 महीने की थी, क्योंकि वो टाइम पे $100 भी नहीं हुए थे मेरे 1 महीने में। 2 महीना नहीं हुआ था, 3 महीना पूरा गया था, उसमें भी 10,000 में इसको देना था। नहीं हमें वो भाई खर्ची की बात अलग बता रहा है, ये पेमेंट आने की इनकम जब आती है स्टार्ट होती है तभी, मतलब तो ये 4-5 महीने के बाद फर्स्ट पेमेंट मेरी आई थी 9,900 कुछ समथिंग। तो ना मैं भाभी चढ़ा के मैं भाग रही हूँ, भाभी को जाना है, बात कर रहे थोड़ी बात सो रहे हैं, और दूसरी चीज मैं भाभी चढ़ा के आई हूँ, लेट हो गया ना मेरे को आज काम में, तो अम्मी कब से बोल रहे चल चल चल, मैं आती 5 मिनट के लिए मैं भाग जाऊंगी। हाँ तो ठीक है, जब तक ये ना बन गया 1 मिलियन को पूरा करो। हाँ अभी मेरे से भाभी देखो अपनी फैमिली का चैनल 5,000 बचा है, तो क्या खुशी है, क्या तुम लोगों से उम्मीद रखते हो? ऐसा अचानक मैं उदाती हूँ, मैं इतना ही बोलूंगी की फटाफट से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, जल्दी जल्दी 1 मिलियन करो, सेलिब्रेशन करना है आप लोगों के साथ, पार्टी करना है आप लोगों की, बहुत सारी दुआएं चाहिए, तो फटाफट दो मैं चल रहा हूं ओपन करने का है। थैंक यू मामी, थैंक यू, मैं जा रहा हूं। जैसे ही लॉकडाउन लगा ये था स्ट्रीट फूड जायका का टर्निंग पॉइंट। हां बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, हकीकत है, क्योंकि रियाज इतनी मेहनत करने के बाद पैसे भी आ गए उसके अकाउंट में, कहीं ना कहीं वो जो रहता ना कि पहली अर्निंग आई, उसके बाद भी ना फिर एक डिसअपॉइंट आ गया कि बोले यार अब क्या करूं मैं, मेरा चैनल अभी इतनी मेहनत करके लॉक हो गया। मैं बताती हूँ, फिर इसका ना चैनल अच्छा चलने लगा, थोड़ा खुश भी हो गया कि चलो अब मोनेटाइज के साथ साथ खर्चा भी आना चालू हो गया। हम लोग भी बोले चलो थोड़ा थोड़ा बिस्मिल्ला करके धीरे धीरे ही आगे बढ़ेगा इंसान, अभी कर रहा है बच्चा मेहनत, तो मैंने भी टोकना बंद कर दी कि चलो ठीक है तू कर, अभी ये लॉकडाउन लग गया उसमें भी जिद कर रहा है कि मुझे दोपहर में जाने दो, मेरे को सुबह में जाना दो, नहीं जाऊंगा मैं यहाँ पर जाऊंगा, ये बात वाले के यहाँ से जाके आता हूँ, मैं बात करके आया हूँ, बाहर पड़ी थी डंडे, मेरे को वो होटल वाला बुलाया, अरे लॉकडाउन लग गया है तू किसको बुलाया, कहाँ बुलाया, अब इसके अब्बा हो गए गरम, बोले ऐसा पैसा मेरे को चाहिए ही नहीं, ऐसा चैनल यूट्यूब कुछ नहीं चाहिए मेरे को, वो बच्चे लोग से ज्यादा कुछ क्या, तू पहले घर में बैठ, तू घर में बैठ, तू कहीं नहीं जाएगा, सब तेल लगा लिया, चैनल भी पैसा भी सब, देखो कुछ हो गया तो हम लोग कहाँ ढूंढेंगे, मार रहे पीट रहे झगड़ा हो रहा, और उस टाइम पे ना उस टाइम पे क्या तेज चल रहा था कोविड, एकदम मास्क वास लगा के बाहर मत निकलो, सैनिटाइजर ये वो बहुत कुछ चल रहा था, तो उसमें क्या इसके बाप को डर हो गया मेरा बच्चा बाहर जाएगा, कोविड हो गया, खुदा ना खासा कुछ हो गया तो क्या होगा, सीधा बंद कर दिया, अब ये लगा रोने दूसरे दिन तीसरे दिन, मतलब ऐसा नहीं हो रहा था, अभी चिल्ला रही थी मुझे यार, ये बाहर तो चलो जाने भी देंगे, मुंह फुका के बैठ गया, मालूम पड़ी गई थी कि भाई सब बंद है, हाँ नहीं मुंह फुका के बैठ गया, अभी अभी तो शुरू हुआ था, अभी अभी मेरा चैनल मैंने तो उसने किया था 5-6 महीने, तो बाहर नहीं जाने दे रहे, 2 घंटे के लिए भी नहीं जाने दे रहे, ये नहीं वो नहीं, फिर उस टाइम पे हमारा जो फूड रेस का चैनल चलता था ना, जिसमें हम लोग टास्क करते थे, खाते थे एक दूसरे के साथ चैलेंज करके,
उसमें बहुत सारे बच्चे बोलते थे अम्मी तुम जो टास्क किए वो बिरयानी बनाओ, जो तुमने टास्क किए वो पहले आपा के चैनल पे आते थे, आपा के चैनल पे अभी के साथ तुम घर में नहीं नीचे रेसिपी कुछ बनाते थे तो आपा लेके आती थी, अम्मी क्या बनाती थी तो वो टाइम पे बहुत कमेंट्स आते थे कि आंटी की रेसिपी चाहिए हमें, आंटी क्या बनाते बताओ ये वो, तो अब्बा ने अम्मी को बोले थे कि चल जा स्ट्रीट फूड जायका पे कुछ बना देना, ऐसा कुछ क्योंकि वो टाइम पे पता भी नहीं था ना कि लॉकडाउन कितने टाइम का है, बोले नर्वस हो रहा है जा तू थोड़ा सा कुछ भी एक दो डिश बना दे अगर लॉकडाउन खुलेगा जब वो जाएगा बाहर, नहीं तो वो अभी ऐसे ही बैठे रहेगा मुंह भुगा के, तो उस चक्कर में मैं आई थी कि इसको चलो एक आध महीना घर में रुकेगा जब तक मैं दो तीन रेसिपी कुछ इसके चैनल पे शेयर कर दूं। अभी ना हम लोग कोई भी वीडियो डालते थे ना वो टाइम तक के, तो एक दिन में ना एक दिन में 1000 मैक्स व्यूज जाते, मतलब मतलब चैनल सब्सक्राइबर हो गए थे 4500-5000 लेकिन कहीं ना वो व्यूज थोड़े कम ही आते, तो 5000 सब्सक्राइबर ना 1000 एक दिन में व्यूज जाता था, तो ना रजित बता देख आज 1000 हो गया अपने व्यूज। अम्मे की जो पहली रेसिपी गिरी बिरयानी दम बिरयानी सीधा एक दिन में ना 5000 भाभी ने ना आलू डालना भूल गए, डालना भूले नहीं कैमरे में, अम्मी का दिमाग खाए थे अम्मी कैसे बनाओ क्या बनाओ पूछ के गए। वो टाइम पे तो फिर भी भाभी बहुत कच्चे थे अल्हम्दुलिल्लाह भी बहुत अच्छे पक गए खाने में, लेकिन वो टाइम पे ना उन्होंने शूट के टाइम पे ना आलू डालना भूल गए थे दिखाने, और बाद में उन्होंने आलू डाल दिया, मेरे को बोलते यार संभाल लेना अब मैं भी नया हाँ हाँ बोला डाल लेना, अब मुझे क्या पब्लिक एक एक चीज नोटिस करेगी, अब पुलाव में जैसे उन्होंने उठाया ना आलू आलू कब से डाल दिया आलू तो डालते हुए दिखाई नहीं, डालते हुए तो आलू दिखाई नहीं, अब पुलाव में से सडनली आलू कहाँ से निकल रहे हैं। फिर उसके बाद आई जीनिया पा, थर्ड वीडियो था जीनिया पा का, अफगानी चिकन, अफगानी देखो इसने क्या करना था, अफगानी चिकन बनाई थी, मटर पनीर बनाई थी, मटर पनीर बनाई थी और दूधी का हलवा, खिचड़ी भी बनाई थी, लौकी नहीं रहे हकीकत है लोगों को ना पसंद आने लगी, क्योंकि यूट्यूब का फंडा यही है कि जो लोगों को व्यूअर्स को पसंद आता है ना वो ही ज्यादा करेगा ना तभी आपका चैनल अल्हम्दुलिल्लाह आगे भागता है, तो अम्मी की ना बहुत सी चीजें लोगों को पसंद आने लगी, सबसे पहले तो स्माइल, फिर इसके बाद अम्मी करते ना अस्सलामु अलैकुम है ना, और वे ऑफ वो हाँ बात करने का तरीका, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज अम्मी के हाथ का सायका, सही बात है। मैं तुमको एक चीज बता दूं कि ये स्ट्रीट फूड जायका बना ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अम्मी ने यहाँ पर आके ही खाने अच्छे बनाए, अम्मी का खाना बचपन से पहले से बेस्ट, पहले से हम लोगों के टिफिन सबसे ज्यादा खाए गए हैं दोस्तों के द्वारा, हमको कुछ और होटल से खिलाने के लिए दोस्त हमेशा तैयार, लेकिन तेरा टिफिन मैं खाऊंगा, ये चीज हमेशा से रही है। हम लोग ने 10 जगह होटलों में काम की, इतने शेफों के साथ काम करके खाना खाए, लेकिन वो घर के जैसा स्वाद उस शेफ के हाथों में भी नहीं रहा, इवन शेफ लोगों ने ट्राई किए मेरे अम्मी के हाथ का खाना और उन्होंने बोले कि यार मास्टर शेफ तो तेरे घर पे है, तो ये चीज तो थी, ओके बाद में लेना ठीक है। तो गाइस ये चीज थी एक कि अम्मी एक सुपर शेफ है, हम लोगों को पहले से पता था, और कहीं ना कहीं एक बोलते ना बचपन में एक थॉट रहता भी अम्मी इतना अच्छा खाना बनाते तो हम होटल वोटल क्यों नहीं खोलते, ये बात भी मेरे घर में बहुत बार हुई, तो ये बोलते ना ऊपर का बना बनाया हुआ रास्ता था ऊपर वाले का, जो कि एक टाइमिंग होती है जिंदगी में, वो टाइमिंग पे अपने आप खुलता है। मैं बता दूं आपको मेरी जिंदगी पूरी किचन में ही गई है ज्यादातर, मैं आप लोगों को अभी 2-3 वीडियो पहले भी बोली थी, 8-10 वीडियो के पहले बताई थी, देखो मेरा शौक था खाना बनाना और मेरा शौक था खिलाना, क्यों? क्योंकि इसके बाप थे खाने के शौकीन, तो सबसे बड़े फूडी, हाँ खाने का शौकीन अगर आपका आदमी है तो आपको कुछ भी करके आपको बनाना ही बनाना है, क्योंकि आपका आदमी अगर आधा पेट खा के उठ जाएगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं क्या करती थी, मैं पहले तो हमारा खुद का घर नहीं था, मैं जहाँ भी भाड़े से जाती थी ना मैं पूछती थी, मुझे खाना बनाने का बेसिक तो पूरा पता था, लेकिन कैसा है देखो बेंगलुरु मसाला अलग होता है, मद्रास वाले अलग बनाते हैं, तो मैं ना जो मेरे बाजू में भाड़ू आता था या कोई नया आता था ना, मैं बिना शर्मे, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, बिना शर्मे बिना झिझके, देखो जो चीज अगर आपको काम आती है जिंदगी में
उसके लिए किसी से पूछना और उससे सीखना, उसके लिए कभी नहीं शर्माना। एक चीज अम्मी को बोले, अम्मी ने ऐसे पूछते थे, मेरे को आज भी एक खाला याद है जो अम्मी को बता रही कि एक चीज पहले तेल डाल फिर जीरा डालते थे। एक ना अंगूरी खाला थी और एक शाइन आंटी, हाँ शाइन आंटी की अम्मी थी, वो जईफ थे तो उनका खाना ना एक क्या मतलब हम लोग बिजनौरी थे या कौन का के रहने वाले थे, लेकिन उनके खाने के ना जायका कुछ अलग आता था मुझे, तो मैं बोलने की मेरे आदमी बहुत खाने के शौकीन है, खाला आप क्या बनाते हो क्या डालते हो इसमें, मुझे बोले बेटा तू इतना अच्छा खाना बनाती है फिर भी आती है पूछने, तरीका अलग था बताने का, वही बात है चटोरी बात। मैं बोली कि देखो जितना इंसान को सीखने मिले ना सीख लेना चाहिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, तो मैं उनसे पूछती थी ना, वो बोलते थे देख ऐसा तेल गर्म करने का, ऐसा जीरा डालने का, उसको चट 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 करने देने का, आवाज के साथ बताते थे यार, फिर उसमें प्याज डालने का, चट 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 करने का, मिर्ची डालने का, फिर उसमें टमाटर डालने का, और टमाटर जब ना चुर 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 करेगा ना जब तक भुनने का, मतलब वो ना एकदम एक्सप्रेशन के साथ बताते थे। मेन मुद्दे की बात यह है कि मैं हर किसी से जो भी बुड्ढा बड़ा जो भी मेरे को मिलता था ना तो बुजुर्ग बोलो, हाँ तो मैं उन लोगों से पूछने के लिए बिल्कुल भी नहीं शर्माती थी। जब मैं ये एज में नहीं थी, मैं 25-26 साल की थी, मैं सबसे पूछती थी क्योंकि मैं मुझे ऐसा कुछ सिखाने जैसा कुछ नहीं था, क्योंकि शादी के पहले मुझे खाना बिल्कुल भी बनाने नहीं आता था। तुम अभी भी बताओ, मैं अब्बा को अभी भी मालूम पड़ता है कि कौन सा मसाला कितना चला है। हाँ ये मतलब टैलेंट है अब्बा के पास, वो अब्बा इसी बता देते कि तेरा ये चीज इतना जल गया है, उसमें ये चीज का मसाला आप तो चेंज करके भी रख दो, उनका खाना जला हुआ है पलटी करके तो फटा के रख दो, छुपा के रख दो, उस खाने में वो बराबर सूंघ लेंगे। और ये चीज भी खाली के कमियां बताएंगे, इसको और अच्छा कैसा कर सकते वो भी बताएंगे, सजेस्ट देते हो वो ये चीज के बदले ऐसा और अच्छा हो जाएगा, उनको जायके की उतनी समझ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखो मेरा शौक था पकाना, करके मैं आई इधर, और इसको मैं काम के जैसा कभी नहीं ली। हाँ। बाद में मुझे अच्छा लगने लगा पकाना, और मुझे बोलते थी पब्लिक के अम्मी ये पकाओ, अम्मी ये अच्छा पकाए, हमने आपका डिश देख के ट्राई करे तो हमसे अच्छा बना, तो मुझे कहीं ना कहीं वो अच्छा लगता था, इसके लिए मैं दूसरी डिश और अच्छी बना के डालने की कोशिश करती थी, क्योंकि आप लोग मेरा देख के बनाते इनकरेज करते थे। इसलिए हर सक्सेस के पीछे एक छोटी मोटी फेलियर भी होती है। बहुत इसके बारे में रियाज और अम्मी थोड़ा मिलजुल के डिटेल में बताएंगे। मैं तो स्टार्ट से बताऊंगा, हमारे बहुत से वीडियो ना ऐसे थे, यानी कि हम जब बाहर शूट पे जाते थे ना कि वहाँ पे ना वीडियो रेडी हो गया, सामने वाले को डेट भी दे दी, हाँ पहला वीडियो दूसरा डे भी फेल था, तो उसको डेट भी दे दिया, शूट हो गया सब हो गया, अब घर पे एडिट कर रहे ना, अगर अच्छी सी वीडियो की तो पूरी वाट लग गई है, बोले क्या करने नहीं डालने का, वो बच्चे वो आते रहे, बोले हम लोग वीडियो नहीं डाले भाई अभी एडिट ही नहीं हुआ। अच्छा कई कई लोगों को हम लोग ने ये बोले, अरे भाई पूरे वीडियो में वॉइस ही नहीं आई है। और कितने वीडियो बनाने के बाद में ऐसा हो जाता है कि अरे ये शूट खराब हो गया है तो आज का दिन वेस्ट हो गया, ये शूट कैंसिल कर दो, ऐसा नहीं कि स्ट्रीट फूड जायका पे यहाँ नहीं हुआ है, यहाँ पे भी हुआ है, जैसे कि हमने ढोकला, हाँ ढोकले में भी हुआ है, एक ढोकले की डिश थी और मुझे याद है कुछ एक नाश्ता बनाई थी मैंने जो मुझसे खराब हो गया था, इतने 2-3 साल के अंदर बस वो एक नाश्ता था जो मुझे ऐसा लगा था कि बेटा ये नहीं था। और एक रियाज में गुलाब जामुन बनाया था एक बार, ए नहीं अच्छा बना दिया, अच्छा बना दिया, वो ऐसा शेयर किया था जायका का, क्या है गुलाब जामुन, नहीं वो पीछे से क्या नाम लेते मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो मैं वो एक वीडियो, अबे भाई ने भी तो कॉफी बनाया है, फिर भी है शेयर, इसके बाद भाई आए, हमारे भाई ने कोल्ड कॉफी हॉट चॉकलेट ना भाई। देखो मैं ना सिंपल बताऊं, अपन खाने के रिलेटेड शेफ नहीं है, अपन पीने के रिलेटेड मतलब बोले ना कॉफी वगैरह ड्रिंक स्पेशल, हाँ कॉफी मोई तो ये सब वगैरह, तो भाई ने भी अपने चैनल पे आगे कॉफी वगैरह बनाया है, एक वीडियो में भाई ने भी कहीं ना कहीं कुक बोल सकते रेसिपी बताया है, फिर आप अभी आई थी बट आपने रेसिपी बनाई नहीं, इंशाल्लाह वो भी आने वाले वक्त में अपने चैनल पे रेसिपी बनाते हुए दिख सकते हैं आप लोगों को, है ना भाई, इंशाल्लाह जरूर। और मैं भी इंशाल्लाह 1 मिलियन अपना होगा ना पक्का, अपनी जवान है अभी, अपन ने
दिल बना लिए कि भाई अपन भी एक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेगा इंशाल्लाह। बिरयानी ही सही ठीक है, देखो हर फेलियर के आगे ही सक्सेस है, क्योंकि फेल होने के बाद आपको रुकना नहीं है, आगे कंटिन्यू करना है। बात है, जब मैं गुलाब जामुन बनाया था 50,000 हुए थे हमारे, 50,000 हुए थे तो मैंने बोल दिया था ऐसी यार 1,00,000 पे ना अपन बनाएंगे, 1,00,000 पे ना बना देंगे। अब देखो ना 1,00,000 फटाफट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब मौला 1,00,000 हो गया, अब मैं ना बोलता 1,000,000 डर रहा है, 1,000,000 में अभी आराम से बैठिए फिर आप भी हो जाएगी, मतलब बोल देता अपने को क्या जरूर आपको रियाज की ये साल अभी मुझे खानी है, जरूर मिलेगी क्योंकि इसने अभी मन बना लिया है कि 1,000,000 होएगा तो मैं जरूर एक वीडियो छोटा मोटा कुछ ना कुछ तो जरूर बनाऊंगा खड़े रह के गैस के। हाँ, सही बात है। तो गाइस यहाँ पर 1,000,000 होने वाले हैं और ये इमोशन एक्साइटमेंट है यार, 1,000,000 अभी भी ना सच्ची में मेरे को ऐसा लग रहा नहीं है कि भाई तेरे, क्योंकि हमने जब बनाए थे ना चैनल ऐसे रजनीश को बोलता था, अबे रजनीश सोच यहाँ पे खाली 1,00,000 व्यू जाएंगे तो क्या दिखेगा अपना चैनल, कोई एक वीडियो में 1,00,000 व्यू दिख गया रजनी बोलता अबे हाँ व्यू, मतलब ऐसा सोचे भी नहीं देखे अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा ना ऐसा लगता है कभी कभी ना कि बस कुछ दिन में ना ये चैनल यहाँ से यहाँ पहुंच गया। सबर रखने की बहुत जरूरत रहती है यूट्यूब पे, यूट्यूब एक ऐसी चीज है यहाँ पे आप बहुत ज्यादा प्रेशर भी ले लेते हो कि मेरा व्यू नहीं जा रहा, नहीं बिल्कुल नहीं लेना। कभी कभी होता है कोई चीज चलती है ज्यादा, कोई चीज नहीं चलती है, तो उससे नर्वस बिल्कुल नहीं होना, अपने काम पे भरोसा रखो। और वही किया आपने, क्या पहली चीज तो ना, सबसे पहली चीज सबर होना चाहिए, वो हमने किया। वीडियो डालते थे बना के, ये नहीं सोचते थे कि इसका व्यू ना इतना जाना चाहिए, एक टारगेट सेट नहीं, अपना काम है शूट करना, लोगों से बात करना, मोहब्बत और वीडियो अपलोड करना। अल्हम्दुलिल्लाह देखो हमने सिंगल गैस से शुरू करे थे, बेंच पे शुरू करे थे, ना किचन था ना डबल गैस का चूल्हा था हमारे पास, कुछ नहीं था, एसी थी, बिस्मिल्लाह करके हमने पसीने आते थे बनाते बनाते। देखो क्योंकि हमको कुछ मालूम नहीं था कि यहाँ क्या चलने वाला है, सिंगल बेंच का स्ट्रीट फूड का सरफराज ने बेंच लाके दिया था कि अम्मी चलो इसी पे टेबल पे तुम थोड़ा शुरू कर लो, तो मैं बोली बेटा अभी एक ही हमारे पास चूल्हा, रोटी बेलने का टेबल हिलता। हम लोग का सिंपल स्ट्रेटेजी कुछ नहीं रहता है, बस करना है ना तो ज्यादा सोचने का नहीं, करो करते करते चीजें अपने आप सेट हो जाएगी। हम लोग ने यूट्यूब पे पहला वीडियो बिना टेबल के हम लोग अब्बा के कैरम पे चद्दर डाल के बनाए थे, उसके बाद हमने टेबल लेकर आया, फिर टेबल पे हम लोग ने स्ट्रीट फूड जाएगा पे वही टेबल यूज किए छोटे से चूल्हे के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह टाइल्स लगी, फिर हम लोग का प्रॉपर किचन सेटअप हुआ, बैकग्राउंड सेटअप हुआ, गैस आ गया और मैं एसी लग गई। इतनी पसीने में मैं खाना बनाती थी ना, मुझे आप लोगों का बहुत प्यार मिला उस टाइम पे भी कि अम्मी इतना पसीने में काम कर रहे हैं, इतना पसीने में काम कर रहे हैं, माशाल्लाह मुझे प्यार करने वालों ने एसी भी भेजे, आप लोगों का सपोर्ट भी मिला। क्या सोची थी इतना? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं सोची थी, बिल्कुल नहीं सोची थी, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं बिल्कुल नहीं सोची थी, मैं सोची थी सिर्फ 1 महीना मैं इसको सपोर्ट करूंगी, फिर मैं अपने गैस और चूल्हे पे लग जाऊंगी, ये अपना कैमरा उठाएगा और अपना चले जाएगा रिव्यू देने, सीधी बात मैं वही सोच के आई थी। लेकिन मुझे नहीं मालूम था लॉकडाउन 1 महीने से 2 महीना हो गया, 2 महीने से 3 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, साल हो गया। देखो लॉकडाउन में बहुत से लोगों का ना बहुत बुरा हुआ, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, बहुत से लोगों का घर में रोना धोना भी हुआ ये बीमारी की वजह से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये साल 2 साल जो है शायद ये लॉकडाउन की वजह से मेरा अच्छा हुआ, तो मैं अच्छा ही बोलूंगी क्योंकि हमारे चैनल को शायद यही एक बहाना नहीं हुआ, नहीं बुरा नहीं हुआ, किसी का भी बुरा हुआ क्योंकि उसने सिचुएशन में लोगों को सीख जीना सिखाया, नहीं जीना भी सिखाया, लेकिन बहुत से लोगों के घर में जो हादसे हुए ना ये बीमारी को लेकर वो अलग, तो हमारे लिए ये अच्छा हुआ। ठीक है, तो इसी के सहारे अभी हमारा चैनल देखो 50,000 का सेलिब्रेशन करा, फिर 1,00,000 का सेलिब्रेशन किया, 5,00,000 के सेलिब्रेशन करे, अब आया है 1,000,000। तो अभी अल्लाह से दुआ कर रही हूँ, 5,000 बचे हैं, 4-5,000 जो भी बचे हैं, आप लोग हमेशा साथ में रहना, सब्सक्राइब करना, और इंशाल्लाह 20 से 30 जो सब्सक्राइबर बच्चे भाई समझाएगा, भाई समझा प्यार और दुआ। नहीं नहीं बताओ अम्मी, बताओ जाचा अम्मी मिस करेंगे, मैं एक्सप्लेन करूंगा। मतलब मेरा बोलने का मतलब 25 से 30 हमारे सब्सक्राइबर जो बचे रहेंगे, हम वो
लाइफ आ जाएंगे उस टाइम पे आपके साथ। मैं आप बता दो, इन शॉर्ट ये है कि हम लोग जो वो 1 मिलियन वाला टाइम है ना, हाँ, वो हम लोग आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करना हाँ, चाहते हैं, वो खुशी आप लोगों के साथ जाहिर करना चाहते हैं हाँ, तो हम वो वक्त पे यानी कि लाइव आएंगे तो हाँ, आप लोग वेट करना। आप पता है आप ऐसा थोड़े देर में चेक करते रहे ना यार क्या जाएगा, जो हमारे मोहब्बत ही लोग है, जब आपको वो 999K दिखेगा ना, अभी आपको देखो 600, 700, 800 भी सब्सक्राइबर तो नहीं दिखेगा। नहीं मैं बताता हूँ, देखो 950,000 अभी जो 98 हो गया ना, जब 99 तक के पहुंच जाएगा ना हाँ, तो 1 मिलियन शो करना शुरू कर देगा ठीक हाँ, है लेकिन 1 मिलियन हुआ नहीं रहेगा रहे। तो जो लास्ट के 20 से 30 सब्सक्राइबर पेंडिंग रहेंगे ना हाँ, उस वक्त वो जो 1 मिलियन की खुशी होती रहेगी, वो 1 मिलियन हो गया हाँ। ये अपन तुम लोग के साथ सेलिब्रेट करना लाइव। मैं चाहती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबरों के साथ में शेयर करके लाइव आएंगे, खुशी मनाओ, डिस्प्ले पे दिखाएंगे बाकायदा आपको होते हुए, टिंग 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 मीटर आपके सामने ही होंगे, एक एक सब्सक्राइबर जो बढ़ेंगे वो आपके सामने बढ़ेंगे, वो आपके साथ शेयर करेंगे, हम आपके साथ खुशी मनाएंगे। और उस चीज की स्टोरी जो 1 मिलियन होने के टाइम का जो चेयर अप होने वाला है ना, आप लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो, स्क्रीन शॉट निकाल लो, हर जगह पे अपनी स्टोरी शेयर करना, वो मोमेंट 1 मिलियन आएगा का 1 मिलियन हो गया है, मजा आएगा। फिर उसके बाद जब ये तो सेलिब्रेशन होगा, लेकिन जब गोल्डन बटन आएगा, गोल्डन बटन एक्चुअल वाली पार्टी, 1 मिलियन का भी सेलिब्रेशन कहीं ना कहीं वो हमारे घर में ही होगा, नेक्स्ट डे छोटा मोटा होगा या बहुत अच्छा भी होगा, लेकिन वो जो एक्चुअल होता है ना पार्टी, एक्चुअल सेलिब्रेशन, एक्चुअल सब लोगों को इनवाइट करना, तब वो जो यहाँ पे गोल्ड बटन हमारा आएगा ना, यहाँ जैसा सिल्वर बटन आया था तो बहुत ज्यादा खुशी मनाया था, गिफ्ट वगैरह लाके जो सेलिब्रेशन किया था वो गोल्डन बटन आने पे होगा। समझ आया ना, बहुत मजा आने वाले आने वाले दिनों में, तो एक भी वीडियो मिस मत करना, हर वीडियो का वेट करके हर वीडियो हमारा वॉच करना और मजे लेते रहना, और जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो हाँ। जिसका मोबाइल मिल रहा है, मैं ना रात में जाता हूँ कैरम खेलने के लिए, मेरे मामू जो है ना जिनके पास मैं कैरम, बड़े भाई के पास कैरम खेलने जाता हूँ, उनसे मेरी इतनी मोहब्बत हो गई है ना, वो मेरा रोज ब्लॉग देखते हैं, तो वो जो भी कैरम पे बंदे लोग आते ना, 2 मिनट मोबाइल देना मिस्टर सरफराज, तो ये चीज तुम लोग स्ट्रीट फूड जायका के साथ करो यार, जल्दी जल्दी करो, सबके मोबाइल में सब्सक्राइब करो, 1 मिलियन नहीं हो रहा है। सही में यार, सही में देखो मैं बताता क्यों नहीं, और खुशी भी बहुत डबल इसीलिए हो गई है ना, क्योंकि हमारा जो 5 लाख 6 लाख तक ना अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा रॉकेट के जैसा भागा था, लेकिन वो हमारी उम्मीद थी, एक्सपेक्टेशन था कि भाई कहीं ना कहीं थोड़ा स्लो भी होगा, तो ये स्लो हुआ, 7 से 8 लाख पे स्लो हुआ, 8 से 9 लाख पे स्लो हुआ, होता है, मैंने बोली ना, सबर चाहिए, 9 से जो ये 1 मिलियन है ना, ये थोड़ा ज्यादा स्लो हो गया, तो ये साढ़े स्लो नहीं हो गया, नहीं, मतलब हमारे को लेकिन क्या था मेरी उम्मीद थी ये भी ना फटाफट हो जाएगा ना, तो एक हिसाब से कहीं ना कहीं वो चीज होती है एकदम फटफट भी हो जाता ना 1 मिलियन, तो वैसा हम सेलिब्रेट वैसी खुशी रहेगी बट वैसी नहीं, लेकिन जो ये नहीं थोड़ा रुक के मिलता है, तो ये कहीं ना कहीं 1 मिलियन है ना भाई, एक हिसाब से थोड़ा रुका, फिर ये बहुत क्लोज आ गया, प्लानिंग करने का टाइम मिल गया, तो कैसा ये खुशी ना डबल हो गई यार, ये 1 मिलियन होने, फाइनली 1 मिलियन होने वाला है, देखो ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, बाप रे बाप आधे घंटे के ऊपर का हो गया, बहुत ज्यादा आप लोगों के साथ डिस्कस करे है इसमें, अगर जो भी बात अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, सॉरी अगर हाँ। कुछ हमारे मुंह से निकला हो, ये तो बस एक ये हमने हमारी खुशी शेयर जाहिर करने आए थे आप लोगों के साथ, और जितने बच्चे नए यूट्यूबर हैं, जितने बच्चे वीडियो खोले हैं मतलब डालने के लिए, उन लोगों को एक ही बात बोलूंगी कि अगर वीडियो डालते हैं तो डालते रहिए, अगर आपके सब्सक्राइबर कम है या नहीं व्यूज आ रहे तो भी सब्र रखिए, क्योंकि ना यूट्यूब चैनल चलाने के लिए बहुत ज्यादा सबर की जरूरत होती है, और काम कंटिन्यू जारी रखिए, कुछ 5 से 6 चीजें भी बोल सकते हैं, 2 से 3 चीजें भी बोल सकते हैं, एक चीज तो सबर होना चाहिए, दूसरी चीज उम्मीद है दूसरों से कम रखना चाहिए, है क्या नहीं भाई, बिल्कुल, क्या हम कुछ कर रहे वीडियो डाल रहे ना, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इसे बोले तो ये हमारी हेल्प करे तब चैनल आगे बढ़े, बोला ना मैंने नसीब में जो लिखा है वो मिलेगा, और उसका टाइम है ना पहले से लिखा हुआ, बिल्कुल, तो तुम कितनी भी मेहनत करो लेकिन मेहनत करो, मेहनत इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत करो नहीं हाँ। तो मिलने का भी नहीं, कंटिन्यू रहो, रहो चैनल पे, कंटिन्यू पे हाँ। आपको जरूर मिलेगा, मिलेगा ठीक है, और ये चीज हम लोग उनके लिए कह रहे हैं जो स्ट्रीट फूड जायका से इंस्पायर होके, बिल्कुल, बहुत लोग हम लोगों का देखे, बहुत लोग ने चैनल ओपन किया, रेसिपी डालते हैं, आपका चैनल देखे हम लोग ने भी खोले, मुझे मिले भी रस्ते में भी मिलते हैं, तो बोलते हैं कि अम्मी आपका चैनल देखे हम लोग भी खोले हैं, लेकिन ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, तो मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ हिम्मत नहीं हारना, हिम्मत नहीं हारना, बस कंटिन्यू काम करते रहना, इंशाल्लाह सबको सक्सेस मिलेगा, बढ़िया, हाँ। तो भाई चलो चलते हैं, बहुत अच्छा लगा, इसी दिल खोल के बात किया, आधी खुशियां,
आधी खुशी फिर से हम आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे उस लाइव में जब कुछ सब्सक्राइबर बचे होंगे 1 मिलियन के लिए। बच्चे हैं क्या? हाँ। एक दिन बचा है, जल्दी जल्दी फटाफट सब्सक्राइब करो। बहुत सारी चीजें 1 मिलियन के बाद हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं, ठीक है गाइस। चलो फिर तो चलो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, है ना। अगला वीडियो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि शॉपिंग का हो गया या फिर स्ट्रीट फूड जायका का क्या बोलते हैं भाई, देखो अभी तैयारी, बहुत सारी चीजें हैं। थोड़ा सस्पेंस भी तो रखें। ओके चलो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, व्लॉग की नेक्स्ट वीडियो के साथ। एकदम ना खुशी में ना समझ नहीं आ रहा है यार, सब खुश है हमारे घर में, सब खुश है यार। 1 मिलियन और हमारे जैसे जो हमारे चाहने वाले वो लोग भी कहीं ना कहीं हमारे वीडियो देख के इतने खुश हो रहे होंगे ना, वो लोग दुआ करते हैं यार हमारे लिए सीरियस, कि भाई ये लोगों की जल्दी हो जाए, ये लोग हमेशा खुश रहे, ये परिवार हमेशा साथ में रहे, तो वो सब लोगों की दुआ कबूल। मेरी नाजिया कभी चैनल सब्सक्राइब करो। हाँ, इंडियन ब्लॉगर नाजिया जो हमारी घर की सबसे बड़ी बहन है, इंडियन ब्लॉगर नाजिया शेख। हाँ, हम लोग खुद उससे इंस्पायर्ड हुए यार, बिल्कुल। हमारे घर की ब्रांड है वो। हमने उसी का देख के उसी के बोलने पे ये चैनल चालू किए थे, ठीक है, बिल्कुल। उसने उसके चैनल को भी जरा सब्सक्राइब करो, आगे बढ़ाओ, ताकि मैं उसका भी 2 लाख का सेलिब्रेशन जल्दी करूँ, 5 लाख का सेलिब्रेशन उसके चैनल पे जाके जल्दी करूँ, और हमारे भाई का भी 1 लाख का सेलिब्रेशन हम लोग जल्दी करें। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना।